हम इस वक्त मौजूद है स्टेशन चौक पर और आप देख सकते हैं कि किस तरह से श्रद्धालुओं का ताता जो स्टेशन चौक पहुंच चुका है। ये बाबा श्याम को निशान चढ़ाने वाले लोग हैं जो कि गौशाला परिसर से निशान शोभा यात्रा निकाली गई है। गौशाला परिसर से निशान शोभा यात्रा निकाली गई है जो कि अभी स्टेशन चौक पहुंचा है। उसके बाद ये निशान शोभा यात्रा वैरायटी चौक खलीफाबाग चौक होते हुए कोतवाली चौक पहुंचेगा, जिसके बाद निशान शोभा यात्रा बाबा श्याम का जो खाटू श्याम मंदिर है मंदुरा चौक पहुंचकर निशान चढ़ाया जाएगा। ऐसी मान्यता है कि फाल्गुनोत्सव के फागुन के एकादशी को बाबा श्याम को निशान चढ़ाया जाता है। उसी को लेकर आज गौशाला परिसर से हजारों युवक युवतियां महिला और पुरुष निशान लेकर निकले हुए हैं जो कि बाबा श्याम को निशान चढ़ाया जाएगा। ये निशान लेकर ये सारे भक्त जो हैं भागलपुर के विभिन्न मार्गों से होते हुए पूरा नगर का परिक्रमा करते हुए पुनः ये वापस खाटू श्याम मंदिर मंदुरजा पहुंचेंगे और वहां पर पहुंचकर ये निशान शोभा यात्रा निशान जो है बाबा श्याम को चढ़ाया जाएगा। जिस तरह से यहां पर आप देख सकते हैं कि किस तरह से डीजे के धुन पर भजन गीतों के धुन पर श्रद्धालु जो है यहाँ पर नाचते गाते हुए बाबा श्याम को निशान चढ़ाने के लिए जा रहे हैं। हमारे साथ कुछ श्रद्धालु मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं किस तरह का ये निशान शोभा यात्रा निकाला। ये हर साल श्री श्याम प्रभु खाटू वाले का फागुन एकादशी का महोत्सव होता है। भागलपुर में विशाल मंदिर है, उसी की यह निशान शोभा यात्रा है। सारे निशान भगवान खाटू श्याम जी को अर्पित होकर रात में 8 बजे से भजन कीर्तन का कार्यक्रम होगा, अखंड ज्योत का कार्यक्रम होगा जो कल 8 बजे तक लगातार अनवरत चालू रहेगा। हमारे साथ कुछ महिला श्रद्धालु भी हैं, उनसे जानने का प्रयास करते हैं कहाँ जा रहे हैं। श्याम जी के दरबार में हम लोग का श्याम जी के लिए निशान के लिए, मैं कलकत्ता से आई हूँ, श्याम जी का निशान चढ़ाने। हम भागलपुर के हैं, लोकल। हम लोग सब भागलपुर के वासी हैं, भागलपुर के हम लोग सब। जय श्री श्याम, जय श्री श्याम, जय श्री श्याम। कलकत्ता से आए हैं, कलकत्ता से आए हुए हैं। हर साल कलकत्ता से निशान चढ़ाने आते हैं, बड़ा मजा आता है, बहुत ही आनंद आता है। फागुन के उत्सव में बड़ा ही आनंद लेते हैं, झूमते गाते जाते हैं। 11 की जोत है, 12 की जोत है, 11 की धोक लगाते हैं। तो इस तरह फागुन महोत्सव को लेकर, फागुन के एकादशी को लेकर यहाँ पर निशान शोभा यात्रा आज बाबा खाटू श्याम के निशान के लिए हम यहाँ से गौशाला से खाटू श्याम को बाबा को निशान चढ़ाने के लिए निकले हैं। हजारों की संख्या में हमारे श्याम भक्त सड़क पर बाबा का निशान लेकर हम निकले हैं। बाबा श्याम का जयघोष के साथ हम उत्साहित हैं और बाबा श्याम से मनोकामना करते हैं, बाबा से प्रार्थना करते हैं कि भागलपुर के विकास के लिए बाबा कुछ ऐसा करे, ऐसा चमत्कार करे कि बाबा के चमत्कार से भागलपुर स्मार्ट सिटी रौनक हो, सब जगमगाती रहे, ऐसी भी बाबा से कामना करते हैं। गौशाला से हम लोग मंदुरजा स्थित श्याम मंदिर जाएंगे और वहाँ निशान चढ़ाएंगे। किस तरह का उत्साह बाबा श्याम? श्याम का बहुत उत्साह है। आज 11 है, कल 12 को महान पर्व श्याम बाबा का मनाया जाता है। हरे के हमारे साथ और कुछ श्रद्धालु हैं, उनसे भी जानने का प्रयास करते हैं क्या किस तरह का उत्साह है। बहुत ज़्यादा, ये मतलब बता नहीं सकते क्या उत्साह है इस बाबा के यहाँ जाने का। निशान यात्रा श्री श्याम खाटू नरेश की श्री श्याम यात्रा में हमारा बहुत अच्छा लग रहा है हमें, और हम बाबा से यही फरियाद पुकार करते हैं कि सबकी मनोकामना, जो भक्त अपनी मनोकामना लेकर जा रहे हैं उन सबकी पूरी करें, हमारी भी करें। हम लोग अभी श्याम मंदिर जाएंगे, बहुत बहुत अच्छा लग रहा है। मेरा तो ये फर्स्ट टाइम है, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। ये श्याम बाबा का निशान का है जो हम लोग उठाते हैं, मंदिर लेके जाते हैं। होली है, होली। और इस तरह क्या हुआ यहाँ पर कई श्रद्धालु है। जय श्री श्याम, हम लोग को बहुत मजा आ रहा है, बहुत एंजॉय। जय श्री श्याम, हम लोग अभी सारे फ्रेंड्स के साथ है, बहुत ज्यादा एंजॉय कर रहे हैं, पहली बार निशान यात्रा उठा, बहुत मजा आ रहा है। जय श्री श्याम, जय श्री श्याम, भागलपुर नरेश की जय। इस तरह से यहाँ पर जो है आप देख सकते हैं कि श्रद्धालु जो है पूरे भक्ति भाव में भजन गीतों पर
डांस कर रहे हैं और बाबा श्याम को रिझाने का प्रयास यहाँ पर श्रद्धालुओं के द्वारा किया जा रहा है। ऐसी मान्यता है कि फागुन के एकादशी को बाबा श्याम को निशान शोभा यात्रा चढ़ाया जाता है, निशान चढ़ाया जाता है, जिसको लेकर यहाँ पर हजारों की संख्या में पुरुष महिला युवतियाँ जो है गौशाला परिसर से बाबा श्याम को चढ़ाने के लिए निशान उठाई है और यह निशान शोभा यात्रा स्टेशन चौक से होकर आगे निकल रही है, आगे गुजर रही है। बहुत ही ज़्यादा उत्साह यहाँ पर युवतियों में, युवकों में, महिलाओं में देखने को मिल रहा है। भजन गीतों पर वे सभी नृत्य करते दिखाई दे रहे हैं। तो जिस तरह भागलपुर का माहौल है आज, जिस तरह से भागलपुर पूरा भक्तिमय माहौल बन गया है, तो हम कह सकते हैं कि आज का यह निशान शोभा यात्रा भागलपुर को खाटू राजस्थान बनाता दिखाई पड़ रहा है। अपने सहयोगी कैमरा पर्सन सुबोध के साथ कुणाल शेखर, सिल्क टीवी, भागलपुर।